एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए राह अब और आसान हो जाएगी। जल्द ही एक्सप्रेसवे को फास्टैग से लेस किया जाएगा, इसे लेकर यमुना प्राधिकरण की ओर से फैसला ले लिया गया है। और इस फैसले को लेकर सोमवार यानी 15 मार्च को यमुना प्राधिकरण के कार्यालय में कंसोर्सियम बैंक और अथॉरिटी के बीच MOU साइन होगा। NHAI ने सभी हाईवे पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये फैसला हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जाम की परेशानी से बचने के लिए लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत साल 2012 में हुई थी और यमुना एक्सप्रेसवे से हर दिन करीब 28,000 वाहन गुजरते हैं। एक्सप्रेसवे पर नोएडा से लेकर आगरा तक JP कंपनी टोल वसूलती है। JP के किसी भी टोल पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि आगरा के बाद लखनऊ तक एक्सप्रेसवे पर फास्टैग की सुविधा मौजूद है, यानी अब JP के टोल पर भी फास्टैग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि निजी हाईवे होने के कारण शुरुआत में JP कंपनी ने फास्टैग लागू करने से मना कर दिया था। यमुना प्राधिकरण की सख्ती के बाद कंपनी तैयार हो गई। 15 फरवरी से इसे लागू करने की तिथि तय की गई थी, लेकिन अभी तक फास्टैग की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक JP कंपनी और YIDA के बीच करार नहीं हो सका है। वैसे तो 15 और 16 फरवरी की आधी रात से देश भर में टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन निजी हाईवे होने के कारण शुरुआत में JP कंपनी ने फास्टैग लागू करने से मना किया। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस फैसले के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगा। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हर दिन करीब 28,000 वाहन गुजरते हैं। इनमें दो पहिया, कार, बस, ट्रक सभी प्रकार के वाहन शामिल है। एक्सप्रेस बनने के बाद से यहाँ पर कैश में ही टोल लिया जाता है। लोगों ने भी इसे लेकर कई बार आपत्ति जताई। जब देश भर में फास्टैग अनिवार्य किया गया तो सिर्फ इसे ही क्यों छोड़ा गया? ऐसा इसलिए भी क्योंकि कैश सिस्टम होने के चलते अक्सर लंबा जाम टोल बूथ पर लगा रहता है। वहीं अब फास्टैग की शुरुआत होने के बाद उम्मीद यही है कि नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर लोगों का सफर आसान होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।